वो आप लोगों के साथ अपने उमरा पैकेजेस के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से, ट्रेकिंग के हवाले से, दीकर अपनी जितनी भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करें हम आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। और यही हमारा कमिटमेंट है कि हम आपके साथ लाइव आकर अपनी वीडियोज़ को शेयर करें और आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो दें। तो अभी जो है वो बहुत अच्छी खबर आ गई है कि नमाज तरावी जो है वो अलाउ कर दी गई है। ठीक है, तीन चार न्यूज़ हैं वो आपको मैं जो है वो दोबारा से एक बार शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले नमाज तरावी जो है उसको जो है वो अलाउ कर दिया आप लोग, और रमज़ान में जो है वो आसानी और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन किसी भी पाबंदी के बगैर नमाज तरावी जो है वो अदा कर सकेंगे। उसके बाद डिस्टेंस का था कि डिस्टेंस आप लोगों ने मेंटेन करना है, वो डिस्टेंस वाला भी जो सिस्टम है वो पाबंदी भी जो है वो ख़त्म कर दी गई। उसके बाद मास्क का था कि मास्क जो है वो आप लोगों ने यूज़ करना है, वो पाबंदी भी एक किस्म की ख़त्म कर ही दी गई है। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी आपके लिए बेनिफिट है, वरना वो भी पाबंदी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं रही है। उसके बाद जो है वो आप लोगों का नफल और अपना जिक्र अज़कार कुरान वगैरह जो है वो हरम में, काबा में और मदीना शरीफ में पढ़ने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि आप लोग वहाँ बैठ नहीं सकते, क्योंकि मेंटेन आप लोगों ने जो है वो मेंटेन करना था डिस्टेंस को, तो वो भी जो पाबंदी है वो भी ख़त्म कर दी गई है। अब हर तरह की पाबंदी जो है वो सऊदी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म करती जा रही है। इसके अलावा एक पाबंदी थी 12 साल के बच्चा जो है वो एलिजिबल होगा, वो बच्चा जो है वो जा सकेगा उम्र के लिए, 12 साल से नीचे का जो है वो नहीं जा सकेगा। और 12 साल के बच्चे को ऐसा एडल्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसको बच्चा वो कंसिडर नहीं करते। अब जो है वो पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई। अब 5 साल से लेकर 12 साल के दरमियान जो बच्चे हैं वो अब जो है वो उम्र के लिए, हज के लिए वो जा सकेंगे, वो अहल हैं, वो एलिजिबल हैं, वो अब उनकी वो पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा जो है एक पाबंदी थी कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से थी कि वैक्सीनेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए। पहले ये था कि वैक्सीनेशन जो है वो आपकी 3-4 वैक्सीनेशन अवेलेबल थी और वो सारी जो है वो आपकी इंग्लिश वैक्सीनेशन थी जो अलाउ करती थी आपके हज उम्रे को, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब आप जो है वो चाइना की वैक्सीन भी लगी हुई तो आप लोग एलिजिबल हैं, अलाउ हैं, आप वीज़ा लगवा सकते हैं, आप लोग अपने बंदों के पासपोर्ट वगैरह हमें डिलीवर करें, आपका उम्रा जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लग जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि जो अपना इंग्लिश वैक्सीनेशन वाले हैं जिनको डोजेज लगी हुई हैं उनके लिए क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया गया, वो क्वारंटाइन वाला भी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया उनके लिए। फिर उनका जो वैक्सीनेशन चाइना वाली है उनके लिए क्वारंटाइन अभी अवेलेबल है, वो क्वारंटाइन 3 दिन का होगा। आस्ते आस्ते वो पाबंदी भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होगी, ठीक है, कि वैक्सीनेशन जो है वो अब ये हुआ कि अब आप कोई भी वैक्सीनेशन लगी हुई हो आप लोग एलिजिबल थे, आप लोग आसानी अपना उमरा वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते थे। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट अभी हुआ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वैक्सीनेशन वाला काम ही ख़त्म हो गया है, अब आपकी पाबंदी ख़त्म हो चुकी है, अब आपने वैक्सीनेशन लगवाई हुई है या नहीं लगवाई हुई है, अब आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं, अहल हैं, आपका उम्र का वीज़ा जो है वो लगेगा। हर हाल में अब आपको जो है वो अलाउ कर दिया गया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो अलाउ हो गए हैं, एलिजिबिलिटी जो है वो होगी भी है। इस टाइम जो है वो हर तरह की पाबंदी को जो है वो उठा लिया गया है। अब आप जो है रमज़ान में किसी भी पाबंदी के बगैर जो है अपना हज उमरा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हज के हवाले से अपडेट करता हूँ, इस साल 2022 में जो है वो हज के ऊपर पाबंदी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया से इस बार मुसलमान फिर से जो है अल्लाहुम्मा लब्बैक की जो है वो तस्बीह को जो है वो पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो है काबे का तवाफ़ करेंगे और इस बार जो है वो अपना हज जो है वो कम्प्लीट करेंगे। और उनके ऊपर भी जो पाबंदियाँ थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं, हर तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है। शवाल के पैकेजेस के हवाले से कुछ आ रही थी कि जी रमज़ान में पैकेज अगर रमज़ान में उम्र अगर खुल गया तो शवाल में जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, फिर उसके लिए जो है वो हमें जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा उम्र का। तो ऐसा कोई भी जो है वो रूल फ़िलहाल अब नहीं रहा, अब जो है हम लोग रमज़ान के अलावा शवाल की बुकिंग भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शवाल के पैकेजेस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जो है वो हमने जो है हमारे होटल्स जो थे वो हमने परचेज़ कर लिए हुए, कुछ होटल रह गए थे वो भी हमने परचेज़ कर लिया, हमारे नुमाइंदा ने वहाँ परचेज़ कर लिए हुए, हमारे नुमाइंदे वहाँ अवेलेबल हैं, एक्सलेंट ट्रैवल एंड टूर्स के वहाँ बंदे अवेलेबल हैं जो 24/7 जो है वो आप लोगों की जो है खिदमत के लिए जो है वहाँ पे हमने वक्फ किए हुए हैं। वहाँ पे आपको किसी भी तरह का उम्रे का मसला है, किसी भी तरह का इशू है, वो वहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए अवेलेबल है। हम आपकी जो है वो एक इंस्टेंट कॉल के ऊपर जो है उनको जो है वो बाउंड कर चुके हुए हैं कि आपको कोई मसला आता है तो वो आपकी जो भी आपकी क्यूरी है उसको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह।
अब तो हमारे एंड से कोई अभी तक मसला आया ही नहीं हुआ, ठीक है, ना ही हमारे किसी भी होटल से कोई मसला है, लेकिन इन केस क्योंकि इंसान है, ठीक है, इंसान के साथ हर मामला होते रहते हैं, हालात अप एंड डाउन होते रहते हैं, इसलिए जो है हमने उनको बाउंड किया हुआ है। वो जैसे ही आपकी क्यूरी आए और क्यूरी जो है वो अपडेट हो, हम इंशाल्लाह उनके साथ शेयर करते हैं, वो आपकी ऑन द स्पॉट जो है क्यूरी को सॉल्व करके हमें कॉल बैक करते हैं। बाकी जो है आप लोगों के साथ जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दी गई है, हर तरह की पाबंदी जो है इस टाइम रिमूव हो चुकी है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग जो है वो इसको लेके कॉल कर रहे थे कि सर आप लोग बताएं कि पाबंदी कौन कौन सी अभी अवेलेबल है, कौन कौन सी पाबंदियाँ अभी अवेलेबल है, रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई या नहीं हुई है। तो मैंने मुख्तसरन एक वीडियो जो है वो सारी पाबंदियों को लेके बना दी है कि अब आपकी हर तरह की पाबंदी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, हर तरह की पाबंदी से अब आप बरी हैं, अब आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप इस साल अपना उमरा करेंगे, आपको किसी भी तरह की उम्र में कोई भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन इस टाइम नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। हमारे जो हाजी वहाँ गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, अपना जो है वो उमरा कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विद ज़ीरो कंप्लेन के साथ। अब जो लोग हमारे बुकड हैं ऑलरेडी वो लोग भी जो हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है अवेलेबल है, और जो लोग हमारे साथ बुकिंग करवाना चाहते हैं उन लोगों से भी यही है कि आप लोग अपनी बुकिंग करवाएं, इंशाल्लाह आपकी बुकिंग होगी, हर तरह की पाबंदी आपकी वे ऑफ होगी भी है, रिमूव हो चुकी भी है। बाकी बुकिंग के लिए लोग कहते हैं जी आपके नंबर्स हमारे प्यारे भैया हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, जो हमारा वॉलपेपर है यूट्यूब का आप लोग उस पर जाके देख सकते हैं, उसके ऊपर हमारा जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है हमारा फेसबुक पेज है एक्सीलेंट ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से अवेलेबल है, आप लोग वहाँ विज़िट करें XELLENT ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से, वहाँ पे हमारे ऑफिशियल नंबर्स अवेलेबल हैं, हमारा ऑफिस एड्रेस अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर है हम तक पहुँचने की आसानी, हर चीज़ हमने आपकी आसानी के लिए वहाँ अपडेट की हुई है। आप लोग जो है वहाँ से नंबर लेके हमें कॉल कर सकते हैं, अपने उम्रे की बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी जितनी अपडेट्स होती हैं हम वहाँ पे भी शेयर करते हैं, हमारे दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, स्नैक हो गया, लाइकी हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, रेडिट हो गया, इसके अलावा जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हमारी आईडीज़ दो ऑफिशियल आईडीज़ अवेलेबल हैं। नंबर एक आईडी जो है वो एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से अवेलेबल है, इसके अलावा जो हमारी दूसरी आईडी है वो एक्सीलेंट ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से अवेलेबल है, जो हमारी जो है कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है इस नाम से अवेलेबल है। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी अगर अवेलेबल है तो आप लोग हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब को जो है वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को जो है वो क्लिक करें, जैसे ही हम लाइव आएंगे इंशाल्लाह हमारी लाइव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाएगी, आप लोग जो है लाइव जो है हमारे साथ आके ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज को फुलफिल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी हम लाइव आते हैं, दीगर जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं सब के ऊपर हम लाइव आते हैं, और आप लोगों से यही हम कहते हैं कि आप लाइव आके जो है वो हमें ज्वाइन करें, ताकि हमारे लाइव सेशन में आके जो भी आप रिप्लाई करेंगे आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी जो है वो नेक्स्ट टाइम तक की वीडियो के लिए आप लोग हमें इजाज़त दें, जैसे ही हम आप लोगों के साथ कोई लेटेस्ट पैकेज हमारा आता है हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, जैसे ही हमारा पैकेज जो है वो अपडेट होता है हम आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देंगे। तो रमज़ान की बुकिंग हमारी अवेलेबल है तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक की वीडियो के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।